हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। इन सभी मेथड का हम लोग इंडिविजुअल मेथड का वीडियो बना चुके हैं हम लोग। यदि इसमें समझ में नहीं है तो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज डिजाइंड टू फुलफिल थ्री रिक्वायरमेंट। ट्रांजिशन कर्व का लेंथ ऐसे डिजाइन किया जाता है ताकि वो तीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन टू बी डेवलप ग्रेजुअली। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का जो रेट ऑफ चेंज हो वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो या ग्रेजुअली डेवलप करे। द रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ डिजाइन सुपर एलिवेशन टू बी एट रीजनेबल रेट। सुपर एलिवेशन का डिजाइन रीजनेबल रेट के साथ हो। मिनिमम लेंथ बाई IRC फार्मूला। IRC फार्मूला के अनुसार ट्रांजिशन कर्व का लेंथ जो होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए। सीधे हम लोग मेथड स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन एट टेंजेंट पॉइंट रेडियस ऑफ कर्व इन्फिनाइट। सो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन A1 बराबर VS बटा R बराबर 0। R का वैल्यू इन्फिनाइट लेंगे। एट द बिगिनिंग ऑफ सर्कुलर कर्व A2 VS कर्व बटा RM। RM जो होगा मिनिमम रेडियस होगा सर्कुलर कर्व का। सो चेंज ऑफ एक्सेलरेशन A2 माइनस A1 बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन C बराबर A2 माइनस A1 बटा T। यहाँ से सी का वैल्यू A2 का वैल्यू पुट करेंगे A1 के पुट करेंगे तो सी बराबर जाएगा वी स्क्वायर बटा RM माइनस 0 बटा T। तो सी बराबर जाएगा वी स्क्वायर बटा RM इंटू T। अब टाइम हम लोग निकालेंगे। लेट लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व भी LS एंड T विद द टाइम टेकन बाय द व्हीकल टू मूव LS डिस्टेंस। टी जो है व्हीकल जो है टी टाइम में LS डिस्टेंस को कवर कर रहा है तो चार बराबर जाएगा दूरी बटा समय यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। तो इस टाइम का वैल्यू जाएगा LS बटा T। यहाँ टी का वैल्यू पुट करें तो वी स्क्वायर बटा RM इंटू LS बटा वी। तो वी ऊपर जाएगा तो वी क्यू बटा RM इंटू LS हो जाएगा। तो सी बराबर जाएगा वी क्यू बटा RM इंटू LS। LS जो है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। सी रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। IRC जो है सी का वैल्यू कुछ प्रोवाइड किया है तो वैल्यू ऑफ सी गिवन बाई IRC इज ए सी बराबर 80 बटा 75 प्लस वी। इसमें वी का हम लोग किलोमीटर पर आवर में पुट करेंगे जो वैल्यू मिलेगा मीटर पर सेकेंड क्यू मिलेगा। बट सी की वैल्यू हमेशा 0.5 से 0.8 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग LS बराबर लिख सकते हैं वी क्यू बटा RM इंटू सी फॉर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। नेक्स्ट मेथड है बाय रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन। एज पर IRC रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन मतलब वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन कहाँ कितना होना चाहिए। इन ओपन कंट्री 1:150, इन बिल्टअप एरिया 1:100, इन हिल एरिया 1:60। इन जनरल रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन 1:N में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। सुपर एलिवेशन के प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं टेन अल्फा बराबर ई बटा LS हो जाएगा तो 1/N बराबर ई बटा LS। तो LS का वैल्यू आ जाएगा E×N। वेन रोड इज रोटेटेड अबाउट इनर एज मतलब ये इनर एज हो गया ये आउटर एज हो गया। तो इनर एज के अलाउंग जब रोड रोटेट करेगा तो ये फॉर्मूला लेंगे। बट वेन रोड इज रोटेटेड अबाउट सेंटर लाइन ऑफ रोड मतलब ये सेंटर हो गया इसके अलॉन्ग रोटेट करेगा रोड तो ई का जो वैल्यू लेंगे ई बटा टू। तो LS बराबर N×E बटा टू हो जाएगा। यहाँ पे W जो है विथ ऑफ रोड हो गया और ई हो गया कितना हाइट किया गया सुपर एलिवेशन का तो हो गया ई। तो टेन थीटा बराबर ई बटा डब्ल्यू। तो अब टेन थीटा को हम लोग ई से डिनोट करते हैं तो टेन थीटा बराबर ई बटा डब्ल्यू। यहाँ से ई का वैल्यू हो जाएगा कैपिटल ई का ई स्मॉल ई इंटू डब्ल्यू। तो यहाँ से हम लोग ई का वैल्यू पुट करेंगे और एन का वैल्यू 1:N 1:150। तो 150 होगा एन का वैल्यू वहाँ से हम लोग ई का वैल्यू पुट कर लेंगे। ई का वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग LS मिल जाएगा। थर्ड मेथड है बाई एम्पेरिकल फार्मूला मेथड। एज पर IRC फॉर प्लेन एंड रोलिंग ट्रेन। प्लेन एंड रोलिंग ट्रेन के लिए लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जो होगा LS बराबर 2.7 VS² बटा R। और फॉर माउंटेनियस ट्रेन के लिए या हिली एरिया के लिए लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व LS बराबर VS² बटा R। तीनों फार्मूला से जिस फार्मूला से LS का वैल्यू मैक्सिमम आएगा वही फार्मूला हम लोग एडॉप्ट करेंगे।